हेलो एंड वेलकम टू सीयूईटी पाठशाला। पिछले वीडियो में हमने अपने कोर्स को लॉन्च किया था, तो आज मैं आपके लिए उसका सिलेबस लेकर आई हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे चार सब्जेक्ट्स हैं, राइट। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा अकाउंट्स, जिसका कोड है 301। इसमें पहले पार्ट में हमारे चार चैप्टर्स आते हैं, which is accounting for not-for-profit organization. The second one is accounting for partnership, which is basically fundamentals. Third one is reconstruction of partnership, जिसमें तीन chapters आ जाते हैं mix होके। पहला है admission, दूसरा retirement और तीसरा death। और जो last वाला chapter है वो है dissolution of partnership। फिर second unit जो है वो है company accounts of financial statement analysis, जिसमें तीन चैप्टर्स आ जाते हैं आपके। पहला अकाउंटिंग शेयर ऑफ शेयर एंड डिबेंचर कैपिटल, दूसरा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और तीसरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड पार्ट जो है वो है आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें पहली चैप्टर आती है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा है यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, तीसरा है अकाउंटिंग यूजिंग DBMS और चौथा है अकाउंटिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर सब्जेक्ट पे, विच इज योर बिजनेस स्टडीज एंड इसका कोड है 305। चलिए आइए इसे भी देख लेते हैं हम। पहले पार्ट में आपके टोटल आ जाते हैं 8 यूनिट्स। पहला हो गया नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा बिजनेस एनवायरमेंट, देन वी हैव प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब सेकेंड पार्ट आता है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो हमारा पहला चैप्टर आता है इसमें बिजनेस फाइनेंस, फिर है फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब हम चलते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट की ओर, विच इज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसका कोड है 309। इसमें पहले दो चैप्टर्स जो है ना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। फिर हमारे जो थर्ड यूनिट्स आते हैं वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, देन वी हैव डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट्स एंड इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और जो थर्ड पार्ट है वो आपका इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इसमें पहला चैप्टर जो आता है वो है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, देन वी हैव करंट चैलेंजिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस। अब हम लास्ट सब्जेक्ट की ओर आते हैं, दैट इज योर एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका कोड है 311। इसमें ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, पहला आपका ज्यादा अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, प्लानिंग है, मार्केटिंग, ग्रोथ स्ट्रेटजीज, अरिथमेटिक एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो and I would like you to subscribe, share and like our channel and this video as well. Thank you so much for joining the session.